ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की चौथी गरंटी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पठानकोट रैली विच कहा है कि पंजाब के लिए लोगों लिए आप दी चौथी गरंटी सिक्ख्या दी है। पंजाब विच पैदा होने वाले हर बच्चे नू मुफ्त ते सब तो वधिया सिक्ख्या मिलेगी। केजरीवाल ने 2022 दी विधानसभा चोणों तो पहला काडर नू लाभबंद करन लई अज पठानकोट विच तिरंगा यात्रा की। केंद्रीय सड़क आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार नू संसद नू दस्या कि किसानां दे प्रदर्शनां कारण अक्तूबर 2020 तो राष्ट्रीय राजमार्गां ते 65 टोल प्लाजे बंद होने तो बाद 2731 करोड़ रुपए के मालिए का नुकसान होया। गडकरी ने कहा कि हरियाणा विच सब तो वध 1381 करोड़ रुपए का नुकसान होया। इस तो बाद पंजाब विच 1269 करोड़ रुपए अते राजस्थान विच 142 करोड़ रुपए का नुकसान होया। तीन खेतीबाड़ी कानून रद्द होने के बावजूद भी टोल प्लाजे बंद पए ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों वीरवार को अपनी कांग्रेस सरकार के 70 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इस विचों उन्होंने जीरो बैलेंस बिल पेश किया अते कोई बकाया नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हर कोई कहता है कि यह चन्नी सरकार है, पर यह चंगी सरकार है, यह आम लोगों अते सारे की सरकार है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गुरु के पाने विच चलती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सिर्फ ऐलान नहीं फैसलों भी लागू करता हाँ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं काला अंग्रेज कहे जाण ते केजरीवाल ने कहा पंजाब दीआं मावां नूं अपना काला पुत्र केजरीवाल अते भैणां नूं काला भरा पसंद है। वीरवार नूं चौथी गरंटी देण लई पठानकोट जा रहे अरविंद केजरीवाल श्री अमृतसर के एयरपोर्ट के पत्रकारां नाल गलबात कर रहे सन। केजरीवाल ने दावा किया है कि इस बार पंजाब विच साडी सरकार बनेगी अते इह काला बंदा अपने सारे वादे पूरे करेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा दे भाजपा विच शामिल होने पिछों अकाली दल दी भाजपा नाल सांझ दा पर्दाफाश करदिआं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने वीरवार नूं कहा कि जेकर बिक्रम मजीठिया भी उही राह फड़दिआं भाजपा विच शामिल हो जांदे हन तां इह कोई हैरानी वाली गल नहीं होवेगी। कर्नाटक विच कोविड-19 दे ओमिक्रोन वेरिएंट दे भारत दे पहले केसां दा पता लग्गा है। सेहत मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ओमिक्रोन दे दो केस कर्नाटक विच मिले हन। सेहत मंत्रालय ने कहा कि मरीज 66 साल अते 46 साल दे दो पुरश हन। इस नाल हुण भारत नवें रूप तों पहली लाग नाल जुड़ गया है। दो केस मिलन तो बाद पहली प्रतिक्रिया विच कर्नाटक दे मुख्यमंत्री बोमई ने कहा कि वड्डी चुनौती है ते जल्द ही नवे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली विच हवा की बिगड़ती गुणवत्ता नूं लेके सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस दे नाल ही अदालत की फटकार तो बाद दिल्ली सरकार ने कल तो सारे स्कूल बंद करने का फैसला किया है। इस दे नाल ही दिल्ली के वातावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के सारे स्कूल कल तो बंद किए जाएंगे। संसद के सर्द रुत सैशन का अज दूजा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार जल्द ही क्रिप्टोकरंसी से बिल पेश करेगी। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल तो मंजूरी मिलने तो बाद यह बिल सदन च आवेगा। जिक्र योग है कि सोमवार को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत बिटकॉइन को करंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह भी दसा कि भारत सरकार बिटकॉइन लेन देन का कोई डाटा इकट्ठा नहीं करती है। कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरिएंट बढ़ रही चिंतावां दे विचकार कैनेडा ने मिसर मलावी अते नाइजीरिया नूं यात्रा पाबंदी सूची विच शामिल किया है। कैनेडियन सेहत मंत्री जीन यूवेस डकलोस ने कहा असी इन्हां देशों की सूची विच तीन देशों नूं शामिल कर रहे हैं जिन्हां बारे असी पिछले शुक्रवार नूं गल कीती सी। इह हन मलावी मिसर ते नाइजीरिया। तीन होर देशों नूं कवर करन लई दक्षिणी अफ्रीका के यात्रियों ते पाबंदी का विस्तार भी कर रहा है।